कैसे हो दोस्तों? जाहिर होगा कि आप अच्छे होंगे, अगर नहीं तो कमेंट में बताना कि क्या समस्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निमेसुलेट टेबलेट के बारे में जानेंगे कि इसका यूज किस तरह की समस्या में होता है या किस तरह की बीमारी में होता है। तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, यह जो निमेसुलाइड दवा होती है वह एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी दवा होती है जिसका उपयोग दर्द, सूजन, बुखार से राहत दिलाने के लिए किया जाता है। इसका यूज दर्द और कटातर्व यानी दर्दनाक अवधि या मानसिक धर्म में ऐंठन को दूर करने के लिए भी किया जाता है। अगर किसी को दांत दर्द की समस्या होती है तो भी इसका यूज किया जा सकता है। दरअसल यह निमेसुलाइड टेबलेट जो होती है वह मानव के शरीर के अंदर पैदा होने वाली प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायन के प्रभाव को अवरुद्ध करने का काम करती है। दरअसल इस रसायन के कारण से ही मानव के दर्द और सूजन देखने को मिल सकता है और इस दवा का यूज करने के कारण से यह समस्या पल भर में दूर हो जाती है। वैसे अगर हम आपको विस्तार से इस दवा के यूज के बारे में बताएं तो निमेसुलाइड टेबलेट का यूज कुछ इस तरह की समस्या में हो सकता है। नंबर वन, दर्द। दोस्तों, दर्द के अंदर निमेसुलाइड टेबलेट का यूज करने की सलाह डॉक्टर के द्वारा अधिकतर दी जाती है। अब क्योंकि मानव के शरीर के अंदर होने वाले दर्द एक तरह के नहीं होते हैं, मतलब यह कई तरह के होते हैं, तो आपको बता देते हैं कि इस दवा का यूज ऑर्थोराइटिस, रूमेटाइड गठिया, एकिलोंजिक स्पॉन्डिलाइटिस और गाउट जैसी स्थितियों से जुड़े दर्द और सूजन को कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। दर्द के अंदर निमेसुलाइड टेबलेट का यूज करने के कारण से होता क्या है कि यह जो दर्द पैदा करता है उस कारण को ही समाप्त कर दिया जाता है, जिसके कारण से दर्द को दूर करने में मदद मिल जाती है। और यही कारण है कि दर्द की समस्या में इसका यूज करने की सलाह डॉक्टर के द्वारा अक्सर दी जाती है। नंबर टू, कटातर्व यानी दर्दनाक अवधि या मानसिक धर्म में ऐंठन। कभी कभी महिलाओं में मानसिक धर्म के दर्द से राहत दिलाने के लिए निमेसुलाइड निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी महिला को मानसिक धर्म के दर्द को दूर करना होता है और इस समस्या के निवारण से वह अपने डॉक्टर से मिलती है तो इस दवा का यूज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दवा का यूज करने के कारण से मानसिक धर्म के दर्द को दूर करने में बहुत ही अधिक फायदा मिल जाता है। नंबर थ्री, दांत में दर्द। कभी कभार इस दवा का यूज करने की सलाह दांत दर्द की समस्या में भी दी जाती है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को दांत दर्द की समस्या होती है तो इसका यूज करने से उसे फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि इस दवा का यूज करने से बुखार को कुछ हद तक दूर करने में मदद मिल सकती है, मगर बुखार को दूर करने के लिए कम ही इस दवा को डॉक्टर के द्वारा देते हैं। इस तरह से इस दवा का यूज विशेष रूप से दर्द की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को दर्द की समस्या होती है तो इस दवा का यूज किया जा सकता है या फिर डॉक्टर इस दवा का यूज करने की सलाह दे सकते हैं। आपको एक बात बता देते हैं कि चाहे आप किसी भी तरह की दवा का यूज करते हो, मगर बिना डॉक्टर की अनुमति के इसका यूज नहीं करना है। और इसी तरह से निमेसुलाइड टेबलेट का आपको बिना डॉक्टर की अनुमति के यूज नहीं करना है। अगर इस दवा की साइड इफेक्ट और गर्भावस्था में इसका यूज करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल पर आपको विभिन्न तरह के वीडियो मिल जाएंगे जहां पर आप यह जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नए टेबलेट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।